हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने कंडेंसर पढ़ा था। तो कंडेंसर में हमने पढ़ा था स्टीम हमारी आती है कंडेंसर में एंड वाटर के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो एक बार मैं इसको बताता हूँ आपको। अगर ये हमारा कंडेंसर है, यहाँ से हमारी स्टीम आ रही थी एंड ये वापस वाटर में, वाटर क्या बल्कि हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम सबको पता है। अब जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था, हम वहाँ पे कूलिंग वाटर की एंट्री करा रहे थे, कूलिंग वाटर, एंड ये जो वाटर है ये वापस बाहर निकल जाता है। अब ये बाहर निकलता किस केस में निकलता है? जब इनडायरेक्ट वाला हमारा कंडेंसर होता है। जैसे हमने पढ़ा था कंडेंसर हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट वाले में बाहर निकलता है। अगर डायरेक्ट कंडेंसर की बात करें तो ये स्टीम एंड ये कूलिंग वाटर मिक्स हो जाते हैं, दोनों साथ में निकलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होना है, ये अलग अपना निकलेगा एंड स्टीम अलग यह निकल जाएगी। तो हमने एक चीज़ देखा था, ये जो हमारा हॉट वाटर होता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली, एंड ये हमारा कूलिंग वाटर होता है एंड इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जो कूलिंग वाटर है ये स्टीम से कुछ हीट एनर्जी ले लेगा एंड इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा कूलिंग वाटर है ये बार बार कहाँ से आएगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन हमको इसमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। हमारी स्टीम कंटिन्यू चली आ रही है। अब जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उसमें कंटिन्यूस वर्क होते रहता है, कंटिन्यूस टर्बाइन घूमते रहती है, कंटिन्यूस यहाँ से स्टीम आती रहती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसकी कंटिन्यूस सप्लाई हमको बनानी है तो ये कूलिंग वाटर है तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार ये यहाँ से यहाँ तक गया एंड वापस इसको ठंडा करेंगे, रखे रहेंगे और फिर से इसको घुमा के भेजेंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है। इसमें जो कूलिंग वाटर होता है इसको मीन्स जो ये वाटर सर्कुलेशन होता है ये तीन तरह से हो सकता है। तो जो हमारा पहला तरीका है ये होता है वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम। अब वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम, अब जैसे हमने ये टर्म पहले ही पढ़ा था वंस थ्रू का मतलब ये होता है कि ये जो वाटर कूलिंग वाटर है ये केवल एक ही बार यहाँ से फ्लो होगा, इसके बाद दूसरा वाटर आते रहेगा। तो वंस थ्रू हमारा फॉलो कब होता है? जब जो हमारा पावर प्लांट है इसके आसपास कोई लेक हो बड़ी सी, या कोई रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, तब वंस थ्रू हमारा फॉलो होता है। वहाँ पे होता क्या है, हम फ्रेश वाटर यहाँ से लेते हैं लेक से एंड यहाँ से हॉट वाटर जाता है, इसको वापस हम लेक पे छोड़ देते हैं। तो अगर कोई रिवर लेक वगैरह है यहाँ पे अवेलेबल है पावर प्लांट के आसपास, तो ये हमारा वंस थ्रू काम करता है, इसमें हम लेक वगैरह से लेते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। क्लोज्ड लूप सिस्टम, अब क्लोज लूप सिस्टम इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कूलिंग वाटर यहाँ से एंट्री कर रहा है एंड यहाँ से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसी टेम्परेचर को, इसी वाटर को ठंडा करके वापस इसमें वापस भेज देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कूलिंग वाटर को ठंडा करते हैं। अब इसको ठंडा करने की कई सारी मेथड्स होती हैं। इसको अगर हमको कूलिंग करना है तो जैसे हमारे पास कूलिंग टावर्स होते हैं, कूलिंग टावर आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस वर्ड है, एंड स्प्रे पॉन्ड्स होते हैं। तो पावर प्लांट में अधिकतर कूलिंग टावर्स का यूज करते हैं। कूलिंग टावर में जो ये वाटर आता है हॉट वाटर, इसको हम ठंडा करते हैं, इसको हम कूल करते हैं एंड इसको वापस हम रिसर्कुलेट कर देते हैं। तो जैसे ये हमारा कूलिंग टावर है यहाँ पे, तो ये जो हमारा कूलिंग वाटर यहाँ से निकल रहा है इसे हॉट वाटर हो गया, ये हॉट वाटर यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से वापस इसको हम सेंड कर देते हैं कंडेंसर में। तो ये हमारा क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, इसको हम वापस कूलिंग टावर में सेंड करते हैं, यहाँ से ये कूल हो जाएगा या टेम्परेचर इसका कम हो गया एंड इसको वापस सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा सिस्टम हुआ क्लोज्ड लूप सिस्टम। जो हमारा थर्ड होता है कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम मीन्स ये जो दोनों है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे, यहाँ पे हमारे पास अगर हम वाटर लेक की बात करें तो वंस थ्रू सिस्टम जो होता है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स लेक या फिर रिवर वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हम
उन प्लेसेस पे पहले सिस्टम का यूज करते हैं, मीन्स वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्लोज लूप सिस्टम वहां पे यूज करते हैं जहां पे वाटर स्कार्स होता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता, वहां पे हम क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हैं। जब हमारा कंबाइंड होता है तो वो मीडियम वाटर जहां पे अवेलेबल होता है, ना बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होती ना बहुत कम होती, तो हम यहां पे करते हैं जब मीडियम वाटर अवेलेबिलिटी होती है, मीडियम वाटर अवेलेबिलिटी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वहां पे हम करते हैं कंबाइंड सिस्टम का यूज। तो जब हमारे पास वाटर है अवेलेबल है काफी क्वांटिटी में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वास्तु बना देंगे इसको, एंड जब नहीं है तो हम क्लोज लूप बना देंगे, तो हम कंबाइंड में दोनों ये रहते हैं। तो बाकी हमारा सिस्टम यही रहता है, ये कूलिंग टावर का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर में स्टार्ट करता हूँ। सो कूलिंग टावर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कूलिंग टावर जैसा अभी आपने देखा था, मैं इसका फिर से एक बार वही सेम फिगर बना रहा हूँ। ये हमारा कंडेंसर हो गया, कंडेंसर में हमारी जो स्टीम है, स्टीम आती है टरबाइन से एंड ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे ये हमारा हॉट वाटर है एंड ये हमारी स्टीम है। तो अब जो भी हम मीडियम यूज करते हैं, कूलिंग वाटर यूज करते हैं, तो कूलिंग वाटर हमारा आता है कंडेंसर में, कूलिंग वाटर, एंड ये कूलिंग वाटर हमारा इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा एंड यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो ये जो वाटर है हमारा हॉट वाटर यहाँ से निकलेगा। अब ज़रूरत क्या है हमारे पास, अगर ये वाटर का टेम्परेचर कम ही होता तो हम फिर से इसको वापस घुमा देते हैं, लेकिन ये इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम कूलिंग टावर में सेंड करते हैं। कूलिंग टावर में सेंड करेंगे, इससे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड इसको वापस हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कूलिंग टावर की। तो कूलिंग टावर हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा वेट कूलिंग टावर होता है एंड दूसरा हमारा ड्राई कूलिंग टावर होता है। अब ड्राई एंड वेट ये और कुछ नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। अब जो हमारा वेट कूलिंग टावर है उसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है एंड जो हमारा ड्राई कूलिंग टावर है उसमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है। जैसा कि हमने कंडेंसर में देखा था, कंडेंसर में भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते थे, तो ये भी कुछ उसी तरह का है। जो हमारा वेट है, वेट नाम ही बता रहा है, तो दोनों की मिक्सिंग हो जाती है एंड मिक्सिंग होती है तो वो डायरेक्ट टाइप हो जाता है और दूसरे वाले मिक्सिंग नहीं होती, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे पहले की बात करते हैं कूलिंग टावर, जो हमारा वेट कूलिंग टावर है। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ जो हमारा वेट कूलिंग टावर है उसका। ये कुछ नहीं, ये हमारा एक तरह से कूलिंग टावर कुछ यूं होता है, यहाँ पे हमारी कुछ बार हॉरिजॉन्टल्स वार होती है। हॉरिजॉन्टल वार्स में क्या होता है, एयर एंड जो हमारा वाटर आता है उनकी मिक्सिंग होती है। तो कई सारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वार होती है, इसको हम पैकिंग बोलते हैं, पैकिंग या फिल बोलते हैं। कई सारी यहाँ पे लगी होती हैं एंड लास्ट में हमारा यहाँ पे हमारा एक कलेक्टर टाइप का लगा होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास कोल्ड वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे नाम भी इनके लिख देता हूँ, ये हमारी पैकिंग बोलते हैं इसको। ये जो हमारा कलेक्टर है, यहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर हो आता है एंड हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एयर सेंड करते हैं। जो भी ये नीचे का पॉइंट्स है यहाँ से हम एयर सेंड करते हैं। कौन सी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से सेंड करते हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है एंड यहाँ ऊपर से हम हॉट वाटर सेंड करते हैं। हॉट वाटर यहाँ से सेंड करते हैं, ये कई सारे जगह पे ऐसे गिरेगा एंड यहाँ पे पैकिंग लगी होती है। पैकिंग में एयर यहाँ नीचे से जाएगी एंड यहाँ पैकिंग जो होती है इसमें हॉट वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी। अब एयर एंड वाटर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उससे क्या होगा, हम अभी देखते हैं। तो आप यही समझें कि हॉट वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है एंड जो हमारी एयर होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी एयर होती है वो अनसैचुरेटेड एयर होती है। अनसैचुरेटेड एयर और जो यहाँ से निकलती है तो वो कुछ उसमें सैचुरेशन आ जाता है। तो इसकी वर्किंग समझें,
हमारा जो हॉट वाटर है, ये जो हॉट वाटर है यहाँ से ये आता है, ये आया यहाँ पे, यहाँ से हम वापस, यहाँ से हम यहाँ पे स्प्रे करा देते हैं। एंड यहाँ पे पैकिंग लगी होती है, पैकिंग में यहाँ से नीचे से एयर आती है, एंड एयर जब आती है तो ये इन दोनों का कॉन्टेक्ट होता है, एंड वाटर का वाटर ठंडा हो जाता है, वाटर कूल हो जाता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं कंडेंसर में ठंडा होने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का फिगर होता है। तो समझिए हमारा हॉट वाटर है ये कूल क्यों होता है। हमारा हॉट वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ ग्रेविटी कारण ये पैकिंग पे गिरेगा, जो हमारी एयर है यहाँ से ऊपर जाएगी। अब एयर ऊपर दो तरह से जा सकते हैं, या तो मैकेनिकल तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल में जाती है ठीक है, अगर मैकेनिकल हो तो उसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो फोर्स्ड तरीका हो सकता है या इंड्यूस हो सकता है। तो इंड्यूस हम ऊपर यहाँ पे फैन लगा देते हैं और फोर्स में यहाँ नीचे फैन लगा देते हैं। तो ये तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से एयर हमारी ऊपर जाएगी एंड वाटर यहाँ से नीचे आएगा, पैकिंग में इन दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। पैकिंग कुछ नहीं, ओरिजिनल बाहर ही होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिक्स होंगे, तो जब मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे हीट एंड मास ट्रांसफर होता है। हीट एंड मास ट्रांसफर मीन्स जो वाटर है एयर की जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो एयर में क्या होगा, कुछ पार्ट वाटर का इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन यहाँ पे जब होगा तो वाटर जो होगा सराउंडिंग वाटर वो ठंडा हो जाएगा। समझे कैसे, ये मान लीजिए वाटर की पार्टिकल्स हैं एंड यहाँ से हमारी एयर आ रही है। तो एयर जब आएगी तो यहाँ पे मिक्सिंग होगी, तो एयर कुछ वाटर इसमें एब्जॉर्ब करेगी। आपने आरएसी पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए। तो जब एयर वाटर एब्जॉर्ब करेगी मीन्स जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होगी ये एयर के साथ ही ऊपर जाएंगे। तो जब इवेपोरेशन होता है तो इसकी लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, तो अब ये लेटेंट हीट जो है वो कहाँ से मिलेगी इनको, जो सराउंडिंग के वाटर पार्टिकल्स होते हैं इनसे ये लेटेंट हीट पाएगा। तो लेटेंट हीट इसको मिलेगी, इसका इवेपोरेशन होगा, ये एयर के साथ चला जाएगा। तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इनकी क्या हो गई, कूलिंग हो गई। तो जब इनकी कूलिंग हो गई तो ये वापस नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे वो यहाँ पे कोल्ड वाटर रहेगा एंड इवेपोरेशन तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो इस तरह से हमारा कूलिंग होती है कूलिंग टावर में। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कुछ हमारा लॉस भी होगा, कुछ हमारा वाटर जो है यहाँ से वापस चला जाएगा, मीन्स इसका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ लॉसेस होते हैं। तो हमारा जैसे पहला एक लॉस हो गया, कौन सा, इवेपोरेशन लॉस। जो वाटर पार्टिकल एयर के साथ चले जाते हैं उनके कारण हमारा एक पहला लॉस हो गया। तो अभी जो हमारा कुछ वाटर लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मेकअप वाटर भी डालते हैं, क्योंकि हमारा वाटर सर्कुलेशन निश्चित होना चाहिए, उसका मास प्रोडक्ट निश्चित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ मास डाल देते हैं, अलग से ऐड कर देते हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ लॉस होते हैं, जैसे एक दूसरा हमारा होता है ड्रिप्ट लॉस। ड्रिप्ट लॉस क्या होता है, जैसे देखें यहाँ से वाटर, यहाँ से एयर हमारा ऊपर जा रहा है, वाटर नीचे आ रहा है। तो होता क्या है, वाटर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर के साथ ऊपर चले जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वाटर के जाते हैं उससे हमारा एक लॉस होता है, उसको हम ड्रिप्ट लॉस बोलते हैं। तो इसके कारण हमें कुछ मेकअप वाटर ऐड करना पड़ेगा। एक हमारा और लॉस होता है ब्लो डाउन लॉसेस। इसमें क्या होता है, जैसे जो भी कुछ हमारा वाटर होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके कारण वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ से तो हॉट वाटर आया लेकिन यहाँ से ऊपर कुछ वाटर पार्टिकल चले गए और कुछ हमारा स्केल बन जाता है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इसी कारण भी हम मेकअप वाटर डालते हैं। तो टोटल हम इन दोनों का समेसन कर लेते हैं और जो भी सम आता है उससे हम यहाँ पे मेकअप वाटर ऐड करते हैं। तो ये हमारी वर्किंग होती है कूलिंग टावर, वेट कूलिंग टावर की। अब यहाँ पे हम एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, जो भी हमारा हॉट वाटर का टेम्परेचर है इसको हम मान लेते हैं हमारा ये TC1 है, एंड जो हमारा यहाँ से कोल्ड वाटर निकल रहा है इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं TC2 है, और जो हमारी एयर है तो एयर जो एंट्री कर रही है जिस प्रेशर पे कर रही है हम मान लेते हैं कि इसका वेट बल्ब टेम्परेचर WTWBT है। अब यहाँ पे हमने वेट बल्ब टेम्परेचर यूज़ किया है। एक चीज़ देखें, जो भी यहाँ से एयर जा रही है तो एयर क्या करेगी, वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, जब इसका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के आसपास नहीं पहुँच जाता, तो अधिकतम ये कितना कर सकती है, जब इसका टेम्परेचर TWBT पहुँच जाता है उतना ही एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती।
तो यहाँ पे हम कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला टर्म है वो है अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, देखिए हमारी कूलिंग कहाँ तक हो सकती है, TWBT तक हो सकती है, और एक्चुअल में कितनी हो रही है, TC2 तक। तो जो हमारी एक्चुअल कूलिंग हो रही है वो कितना TWBT के करीब हो रही है, इसको हम अप्रोच बोलते हैं। तो इसको हम लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, TC2 - TWBT, जो हमारी एक्चुअल कूलिंग हो रही है माइनस जितनी मैक्सिमम कूलिंग हो सकती है, इसको हम अप्रोच बोलते हैं। कितना हम अप्रोच कर पा रहे हैं, TWBT तक, ये हमारी अप्रोच, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा टर्म है रेंज। अब रेंज क्या होती है, हमारा जो वाटर है वो TC1 पे एंट्री कर रहा है एंड TC2 पे लीप कर रहा है, तो जो हमारी रेंज होगी वो इन दोनों का डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं, मीन्स TC1 - TC2, इसको हम रेंज बोलते हैं। इनके बीच कहीं भी वाटर हमारा कूल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, देखें जो भी हमारी कूलिंग एक्चुअल में हो रही है अपॉन जितनी मैक्सिमम कूलिंग हो सकती है, मींस एक्चुअल कूलिंग अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल कूलिंग। तो एफिशिएंसी हम क्या लिख सकते हैं, हमारी एक्चुअल कूलिंग कितनी हो रही है, TC2 तक हो रही है, कहां से, TC1 से। तो जो भी हमारा टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ कितना हुआ, TC1 - TC2 अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल कूलिंग कितनी हो जाएगी, अभी तो इतना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, TWT तक हो सकता है, TWBT। तो ये TC1 - TWBT, ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर होती है। ये टर्म आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले, आप इनको याद रखें, हो सकता है आपसे एक एफिशिएंसी निकालने का ही आ जाए, तो आपको पता हो गया कहाँ पे कौन सी टेम्परेचर है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक वर्ड यूज किया था ड्रॉट, तो ड्रॉट के बारे में बात करते हैं। ड्रॉट क्या होता है, जो भी हमारी एयर होती है उसका जो सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करने का सिस्टम होता है। जैसे कि हमने अभी कूलिंग टावर यहाँ पे बनाया था, ये अगर हमारा कूलिंग सिस्टम है, ये हमारा अगर कूलिंग टावर है, तो यहाँ से हमारी एयर जाती है ऊपर, तो ये एयर का जो फ्लो होता है वो किस रीजन से होता है, इसको हम ड्रॉट बोलते हैं। तो देखें जो हमारा ड्रॉट होता है वो दो तरह का होता है, पहला जो होता है हमारा मैकेनिकल ड्रॉट होता है, तो दूसरा होता है हमारा नेचुरल ड्रॉट होता है। नेचुरल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल। तो मैकेनिकल भी हमारा दो तरह से होता है, पहला जो हमारा होता है इंड्यूस्ड एंड जो दूसरा होता है वो हमारा फोर्स्ड ड्रॉट होता है। तो पहले देखते हैं फोर्स्ड ड्रॉट। फोर्स्ड ड्रॉट में होता क्या है, हम क्या करते हैं फैन यहाँ पे लगा देते हैं, मीन्स जहाँ पे हमारा एयर एंट्री होती है वहाँ पे हम एक फैन लगा देते हैं, इसको हम फोर्स्ड ड्रॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे तो जो एयर आई वो फोर्स करके वो इधर ऊपर भेजेगा, इसको हम फोर्स ड्रॉट बोलते हैं। आप इसको हम बहुत ही कम यूज करते हैं, कम यूज क्यों करते हैं ये देखते हैं। इससे होता क्या है, पहली चीज लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी एयर जा रही है तो अब ये तो प्रेशर यहाँ से बना के सेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लीकेज की दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसको प्रेफर हम कम करते हैं। इसके और भी डिसएडवांटेजेज हैं, जैसे कि एक दूसरा हो गया सर्कुलेशन ऑफ एयर। जो हमारी सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है, जो हमारी सर्कुलेशन होता है एयर का, वो सही से नहीं होता। क्या होता है, कुछ पॉइंट के बाद यहाँ से हमारा बैक फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रेशर डिफरेंस सही से क्रिएट नहीं हो पाता, इस कारण हमारा कुछ बैक फ्लो भी हो जाता है, कुछ जो हमारे एयर है वो बैक भी आ सकती है, इसमें दिक्कत आती है। तीसरी चीज़ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, इसमें एयर जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं होता है। सही से मतलब क्या, अब जैसे यहाँ से जो भी ये प्रेशर बना रहा है, कहीं भी कम कहीं भी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो ये सही से प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता, तो एयर के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है। तो ये तीन प्रॉब्लम फोर्स्ड में आती है, इसलिए हम इसको कम प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें इंड्यूस्ड सिस्टम की, इंड्यूस्ड ड्रॉट जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा कूलिंग टावर है, तो यहाँ पे हम
जो एग्जिट पॉइंट होता है यहाँ पे हम लगा देते हैं फैन को, तुम्हारा फैन यहाँ लगा होगा, फिर यह क्या करेगा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो यहाँ से सक्शन होता है, तो सक्शन होता है तो यहाँ पे एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छा बन जाता है और रिवर्स फ्लो भी नहीं होता क्योंकि ये इसको सक कर रहा है। तो बाकी ये दोनों जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सही रहता है, लीकेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये वैसे इसको सक कर रहा है। दूसरी चीज इसका ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे यहाँ पे फोर समझ लगाया है तो यहाँ पे कई सारे फैन हमको लगाने पड़ सकते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है, हम आसानी से इसको सक कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज हो गए, हम इंड्यूस्ड ही प्रेफर करते हैं, लेकिन एक चीज़ है देखें जो हमारा इंड्यूस्ड ड्रॉट है ये हमारे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे वार्म एयर होती है, एयर का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है यहाँ पे कम होता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमारा वर्क डन ज़्यादा होगा एंड फोर्स में हमारा वर्क डन कम होता है। ये कुछ डिसएडवांटेज ड्रॉट का, इंड्यूस्ड ड्रॉट का। नेक्स्ट हमारा तीसरा तरीका भी है नेचुरल, सॉरी मतलब दूसरा ये नेचुरल, नेचुरल में हम कोई फैन नहीं लगाते, जो भी हमारे जो एयर है वो उसका मूवमेंट होता है वो केवल नेचुरल वे से होता है, नेचुरल वे मीन्स डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पे जो हमारी एयर होती है उसकी डेंसिटी कुछ होती है, यहाँ पे जो एयर होती है इसकी डेंसिटी कुछ होती है, होता क्या है जैसे यहाँ पे हमारी पैकिंग्स होती हैं, अब यहाँ पे एयर और वाटर कॉन्टेक्ट में आए तो होगा क्या, जो हमारी यहाँ पे एयर होगी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो डेंसिटी कम होगी तो क्या करेगी ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा, तो जो नीचे रहेगी वो ऊपर जाएगी। तो जहाँ पे जो कोल्ड एयर है और जो हॉट एयर है, कोल्ड एयर मीन्स जो इसके बाहर की जो टावर है, टावर के बाहर की एयर है कोल्ड एयर वाली, इसकी डेंसिटी कम रहेगी, जो यहाँ पे अंदर वाली है इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, जो ये कोल्ड एयर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एंड हॉट एयर इसकी डेंसिटी कम होगी, तो ये वापस ऊपर जाएगी एंड ये अंदर इसके जाएगी, तो ये जो सर्कुलेशन होता है उसको नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये हमेशा तो नहीं फॉलो हो सकता लेकिन कभी कभार हो सकता है, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो कोल्ड वाली है तो इसकी डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही फायदा रहेगा, उतने ही तरह से उतने ज़्यादा से हमारा सर्कुलेशन बना रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो आउटसाइडर बोल देते हैं इसको, माइनस रो इनसाइड इनटू जी एच, तो अगर प्रेशर डिफरेंस हमारा ज़्यादा हमको मेंटेन करना है तो डेंसिटी अगर हमारी कम होगी तो होगा क्या, जी की वैल्यू सेम रहेगी, हमको एच बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको हाइट बढ़ानी पड़ सकती है। तो एक्चुअल में होता क्या, जो हमारे नेचुरल ड्रॉट वाला केस होता है उसमें कूलिंग टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, रीजन यही हमारा डेंसिटी डिफरेंस कारण, लेकिन यहाँ पे हमारे मैकेनिकल ड्रॉट जहाँ होते हैं वहाँ पे इसकी हाइट कम हो जाती है, हो सकती है, सो ये एक रीज़न है। अब एक कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारा कूलिंग टावर है इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है, मीन्स ये कौन शेप है, हाइपरबोलिक शेप है, हाइपरबोलिक शेप है। अब ये क्यों होता है कभी कभार ये आपसे कोई पूछ सकता है, तो इसका एक ही रीज़न होता है, जो भी हाइपरबोलिक अगर इसको हम बनाते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रखने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा कूलिंग टावर है ये काफ़ी हाइट में होते हैं, तो यहाँ से हमारी जैसे एयर की एयर काफ़ी स्पीड में जा सकती है, तो ये एयर रेजिस्टेंस भी करता है, उसको रोकता है, जो भी एयर फोर्स लगाती है उसको रेजिस्ट कर सकता है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रखनी होती है, इसलिए हमारा हाइपरबोलिक शेप में होता है। इसके डिसएडवांटेज भी होती है, हमको कॉस्ट ज़्यादा लगती है, अब कोई स्पेसिफिक शेप में हमको बनाना है कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा लगनी है। और दूसरी चीज़ हमारी क्या हो गई, अगर हम हाइपरबोलिक बनाएंगे तो हमारा स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, सो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमारा वेट कूलिंग टावर हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई कूलिंग टावर के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राई कूलिंग टावर, ड्राई कूलिंग टावर में हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है एयर एंड हॉट वाटर का, तो इसमें हम इंडायरेक्टली यूज करते हैं, ये भी हमारे दो तरह से होते हैं, एक हमारा होता पहला हमारा होता है डायरेक्ट टाइप एंड दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम कैसे होता है, इसमें होता क्या है हमारी ट्यूब्स कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में होती हैं, इंक्लाइंड
इसमें हमारी फिंस लगी होती है, ट्यूब में कई सारी फिंस लगी होती हैं, एंड जो हमारे स्टीम का एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारी स्टीम आती है, एंड ये जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब से बाहर, इन ट्यूब से नीचे आती है। यहाँ पे हमारा कंडेंसर हेडर लगा होता है, कंडेंसेट हेडर, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था हेडर का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से ड्रम ही होता है जो कलेक्शन करने में काम में आता है, यहाँ पे वाटर हमारा कलेक्ट होता है, तो ये कंडेंसेट हेडर लगा होता है, एंड यहाँ से जो वाटर होता है ये वापस इसकी सप्लाई होती है, इसमें हम एक बॉक्स में डालते हैं, एक जैसे हमारा यहाँ पे कंडेंसेट रिसीवर होता है, एक रिसीवर भी एक तरह से हमारा कलेक्टिंग सिस्टम ही होता है, यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से हम वापस इसको फीड वाटर सिस्टम में भेज देते हैं। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ये जैसे हमारा क्या हुआ कंडेंसेट हेडर, ये हमारा स्टीम एग्जॉस्ट, एंड ये हमारी ट्यूब्स हो गई, एंड इसमें फिन लगी है काफ़ी सारी। सो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे हम एक फैन लगा देते हैं, अब ये कौन सा फैन है हमारा, फोल्ड फैन है। तो अब देखें इसकी वर्किंग कैसे होती है, अब जो हमारा डायरेक्ट टाइप होता है इसमें हमारी जो स्टीम है यहाँ पे आती है, स्टीम एग्जॉस्ट यही होता है, इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं एयर को सेंड करते हैं, यहाँ से हमारी एयर जाती है, एंड एयर ये पूरा कॉन्टेक्ट होता है एयर का, तो हम फिन लगा देते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है इनके यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, काफ़ी सारी ट्यूब्स ये लगी होती हैं, हीट ट्रांसफर होगा जो हमारी स्टीम होती है वो क्या करेगी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वाटर में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे जो हमारा स्टीम हेडर होता है, कंडेंसेट हेडर होता है, वहाँ पे कलेक्शन होगा इसका, एंड ये वापस कंडेंसेट रिसीवर में जाएगी, कंडेंसेट रिसीवर के बाद ये हमारा फीड वाटर सिस्टम की तरफ चली जाएगी। सो ये जो हमारी पहला टाइप है, ये हमारा पहला टाइप है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप, इसमें हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कोई कंडेंसर नहीं यूज किया है, हमारा डायरेक्ट स्टीम एग्जॉस्ट यहाँ पे आता है, इसके बाद ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा दूसरा होता है इनडायरेक्ट टाइप, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से दो हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं साइड बाई साइड, जो पहला हीट एक्सचेंजर है वो हमारा कंडेंसर काम करता है, जो दूसरा होता है वो हमारा कूलिंग टावर का काम करता है। हमारी ट्यूबिंग तो सेम रहेंगी, वैसे हमारी दो ट्यूब्स रहेंगी, फिन ट्यूब रहती हैं। अब ये कैसी, बहुत सारी ट्यूब इस तरह से होती है, यहाँ पे फिन लगी होती है। अब ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ से हमारा एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर से हमारा जो भी वाटर होता है हॉट वाटर, ये यहाँ पे आएगा, हॉट वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ से नेचुरल तरीके से सर्कुलेट, नेचुरल तरीके से नीचे जाएगा, एंड इसमें हम क्या करेंगे एयर फ्लो कराएंगे, तो हमारी जो एयर है वो यहाँ से जाएगी, स्पेस बने होते हैं तो एयर यहाँ से जाएगी, एंड जो यहाँ से हॉट वाटर जो यहाँ से फ्लो कर रहा है इसी कॉन्टेक्ट में आएगी, एंड हीट का ट्रांसफर होगा, एंड यहाँ से हमारा कोल्ड वाटर निकलेगा, कोल्ड वाटर को हम क्या करेंगे फिर से कंडेंसर में सेंड कर देंगे। ये हमारा क्या है कंडेंसर। तो आपको याद क्या रखना है, जो हमारा डायरेक्ट टाइप है इसमें स्टीम डायरेक्ट इसी में आ जाती है कूलिंग टावर में ही, एंड जो हमारा इनडायरेक्ट टाइप है इसमें हमारा दो हीट एक्सचेंजर ही लगे होते हैं, एक कंडेंसर और दूसरा हमारा कूलिंग टावर। तो कूलिंग कंडेंसर में तो हम आप जानते क्या होना है, कूलिंग टावर में इसका जो भी इसका हॉट वाटर है यहाँ पे आता है, एंड इनका मेन मिक्सअप नहीं होता, मिक्स नहीं होते दोनों, एंड अलग अलग इनका सर्कुलेशन होता है और हीट का ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारा कौन सा इनडायरेक्ट टाइप, ये डायरेक्ट टाइप। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर इजेक्टर की। अब एयर इजेक्टर या फिर स्टीम जेट एयर इजेक्टर इस भी इसको बोलते हैं, ये क्या होता है इसको समझते हैं। हमारा जो कंडेंसर होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम क्या करते हैं निगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, निगेटिव प्रेशर जैसे हमने बताया था आपको 0.074 बार के आसपास होता है, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, जो भी हमारी कुछ गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं कंडेंसर के अंदर चली जाती है, कहाँ चली जाती है जो भी इसके जॉइंट्स होते हैं। अब जब जॉइंट्स हम काफ़ी लीकेज प्रूफ बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली लीकेज प्रूफ नहीं बन सकती, तो यहाँ से हमारी कुछ एयर अंदर चली जाती है कंडेंसर के। और एयर तो ठीक ही है, पहली चीज़ तो हमारी एयर हो गई,
और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन हो रहा है उस वाटर सर्कुलेशन में कुछ डिजॉल्व्स सॉल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ डिजॉल्व्स और पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं वो हो सकते हैं, तो काफ़ी डिजॉल्व सॉलिड्स भी हो सकते हैं या फिर और सारी कई पार्टिकल्स। अब जो वाटर होता है उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ एसिड भी हो सकता है, तो कई चीज़ें हो सकती हैं। प्लस थर्ड इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं जो केमिकल रिएक्शन से बन गई हो, जैसे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं इन्होंने और कुछ पार्टिकल से केमिकल रिएक्शन किया और वो मटेरियल बना दिया, तो काफ़ी चीज़ें होती है। मीन्स कंडेंसर में एक तरह से इम्प्योरिटी हो सकती है, तो जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडेंसेट बोलते हैं, नॉन कंडेंसेट बोलते हैं। अब जो हमारी नॉन कंडेंसेट होता है इसको हमको कंडेंसर से निकालना होता है। अब निकालना क्यों होता है उसके कई रीजन होते हैं, जैसे पहली चीज़ जो कंडेंसर का प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है इनके कारण, दूसरी चीज़ जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कम हो जाता है। अब हीट ट्रांसफ़र ऑब्वियसली कम हो जाना, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएगा बीच में तो हीट ट्रांसफ़र को वो कम कर देगा। तीसरी चीज केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। अब जैसे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है वो कोरोजिव टाइप का भी हो सकता है, तो हो सकता है जो कंडेंसर के ट्यूब से उसमें कोरोजन कर दे। तो थर्ड हमारी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं इन चीज़ों को जो नॉन कंडेंसेट है इसको हमको कंडेंसर से निकालना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टीम जेट एयर इजेक्टर यूज करते हैं। स्टीम जेट एयर इजेक्टर और कुछ नहीं, एक हमारा डिवाइस होती है जिससे हम कंडेंसर जो होता है कंडेंसर से जो भी फॉरन पार्टिकल्स होते हैं जो भी नॉन कंडेंसेट होते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं एयर इजेक्टर। तो मैं इसकी वर्किंग आपको नहीं बता रहा, अगर वर्किंग आपको देखना है तो आप जो भी नोट्स आपको दी गई हैं आप उस नोट से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग स्किप कर रहा हूँ।